शेर और वीर। एक विशाल जंगल में सूर्य की किरणों से जगमगाते मैदान में एक शेर राजा की तरह विराजमान था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल थरथरा उठता था। उसका नाम था बलराम और वह जंगल का रक्षक माना जाता था। एक दिन जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव से एक छोटा लड़का वीर जंगल की सीमा पार कर गया। वह जंगली फलों की तलाश में था। उसे पता नहीं था कि वह जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी के इलाके में प्रवेश कर चुका है। जैसे ही वीर पेड़ों के बीच से निकला, बलराम की तीखी नजर उस पर पड़ी। बलराम कुछ पल के लिए चौंका। जंगल में किसी इंसान को देखना उसके लिए असामान्य था। फिर शिकारी वृत्ति जागृत हुई और वह वीर की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। वीर ने शेर को देखा और डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सोचा, अब मेरा अंत निश्चित है। लेकिन बलराम रुका। उसने देखा कि वीर एक डरा हुआ बच्चा है, न कि कोई शिकारी। उसने वीर की दयनीय स्थिति पर दया महसूस की। बलराम ने पहले कभी किसी इंसान को नहीं छोड़ा था, लेकिन इस बच्चे को देखकर उसके अंदर कुछ बदलाव आया। धीरे धीरे बलराम वीर के पास गया। वीर ने आंखें खोलीं और शेर को इतने करीब देखकर और भी ज्यादा डर गया। उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगा। बलराम ने देखा कि वीर डर के मारे कांप रहा है। उसने एक गंभीर गर्जना की, लेकिन इस बार धमकाने के लिए नहीं, बल्कि वीर को आश्वस्त करने के लिए। वीर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और शेर की आंखों में देखा। उसे शेर की आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि जिज्ञासा दिखाई दी। कुछ देर की चुप्पी के बाद वीर ने लड़खते हुए कहा, मैं खो गया था। बलराम ने फिर गर्जना की, इस बार कम गंभीर। वीर को लगा कि शेर उसे समझ गया है। कुछ समय तक शेर और लड़का एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे। फिर बलराम धीरे धीरे जंगल के अंदर की ओर चलना शुरू हुआ। वीर थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने शेर का पीछा किया। बलराम उसे जंगल के उस हिस्से में ले गया जहां फलदार पेड़ थे। वीर खुशी से नाच उठा। उसने जितने फल चाहिए उतने तोड़े और फिर शेर की ओर देखा। बलराम ने गर्जना करके उसे धन्यवाद दिया और धीरे धीरे जंगल की गहराई में चला गया। वीर जंगल से बाहर निकला और गांव की ओर दौड़ा। रास्ते में उसने सोचा कि उसने क्या अनुभव किया था। उसने एक शेर, जंगल के राजा को देखा था और वह बच गया था। इतना ही नहीं, शेर ने उसकी मदद भी की थी। गांव पहुंचकर वीर ने अपने माता पिता और ग्रामीणों को जंगल में हुए रोमांच के बारे में बताया। वे सब उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। उस दिन से वीर ने जंगल में घुसने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह कभी भी उस शेर को नहीं भूला जिसने उसे डराने के बजाय उसकी मदद की थी। Thank you.